खूबसूरत नेगी, एक ऐसा नाम जिसे आज प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता, एक ऐसा नाम जिसने राजनीति में अपनी पहचान खुद अपने दम पे बनाई, एक ऐसा नाम जिसने जिला किन्नौर की राजनीति को ही बदल के रख दिया, एक ऐसा नाम जिसने वन निगम का उपाध्यक्ष बन के जिला किन्नौर को गौरवान्वित किया। जनता के बीच रहना, जनता की सेवा करना, बिना एक दिन आराम किए अपना काम करना, ऐसा है कुछ सूरज जी का व्यक्तित्व। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और संगठन की सेवा करते करते अंततः अपनी जन्मभूमि जिला किन्नौर की सेवा के लिए हमारे बीच आए हैं सूरत नेगी। भाजपा और मेरा सौभाग्य है ऐसे नेता के छत्र छाया में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। आप सभी से भी निवेदन है, एक बार सूरत नेगी जी को अपनी सेवा करने का मौका दे, मातृभूमि की सेवा करने का मौका दे। लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुद्दा ये है सर, अगर ये हमारा रोड खुलता है तो ऊपर वाला टूरिज्म बंद होता है, क्या ऐसा भेदभाव होना चाहिए? क्योंकि जैसे ऊपर तल्पा है और ताजा को वही रूट जाता है, अगर ये खुलता है तो बोलते हैं कि ऊपर वाला टूरिज्म खत्म हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र का टूरिज्म खत्म नहीं होगा, पहली बात नागपुर की अपनी सुंदरता है, तल्पा की अपनी सुंदरता है, सांगला की अपनी सुंदरता है। हम तो ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ वही हवा वैली भी एक जगह है, आप उसको भी एक्सप्लोर करिए ताकि ये जो है एक सर्कट बन जाए। यहाँ से लोग आएंगे, फिर वापसी जो है नाको से होते हुए आएंगे, कल्पा संगला के अंदर आएंगे या संगला इधर से जाएंगे तो इधर से आएंगे। इसलिए किसी क्षेत्र के साथ हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे किन्नौर को विकसित करना चाहते हैं। लेकिन आज तक जो है, जगत सिंह जी कहते हैं चौथी बार विधायक बना, लेकिन चौथी बार विधायक बना तो आपने किया क्या, ये तो बताइए। तो पंचायत नहीं दिला पाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है, जिसको जिसकी संभावना इतनी है, उसके बावजूद इस क्षेत्र के साथ जो है इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, तो वो बहुत बड़ा भेदभाव है। हम किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते, और उनकी मंशा जो है बहुत साफ है कि भाभा वैली कोई क्षेत्र को पीछे करना चाहते, इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं लिया। भाभा वैली का सर, बच्चा बच्चा, जवान और बुजुर्ग सर, आपको बहुत ही धन्यवाद होगा जब ये टूरिज्म चलेगा कंटिन्यू में, क्योंकि आपने सर अभी कहा कि सिर्फ एक विचार तहसील के माध्यम से नहीं देखे, आपने कहा पूरा किन्नौर को विकसित करने का आपका सोच है, बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि विधायक साहब तो सिर्फ अपर हिमाचल अपर किन्नौर को ही देख रहे हैं, तो बहुत आपसे बहुत उम्मीद है सर भाभा वैली वालों को। शाम को हम जब भाभा वैली वाले इकट्ठे होंगे तो हम आपसे और इंटरव्यू लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े तीन साल जगत सिंह जी घर से बाहर नहीं निकले, अभी भी नहीं निकले। कल्पा से आते हैं रिकॉम्पियो सरकार को गालियां देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, की जो भूमिका साढ़े तीन वर्षों में रहा है वो खलनायक की भूमिका। फिर से जबरदस्त रिजल्ट लेकर के आप लोगों के सामने हूँ। आज एक बहुत ही शानदार रिजल्ट हम लोगों को मिला है कि जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के टापरी एक जगह का नाम है, वहाँ पे हम लोगों को इतना शानदार रिजल्ट मिल रहा है। आज हर दिन एक नया रिजल्ट हम लोगों को फील्ड में मिलता ही रहता है, तो चलो आज एक नए रिजल्ट के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होते हैं। डायरेक्ट ले चलता हूँ मैम के पास, जिनको ये शानदार रिजल्ट आया। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम हुआ आपका? मैम मधु। मधु मैम, अच्छा मैम आपको क्या प्रॉब्लम थी? मोटापे का था, ओबेसिटी का। अच्छा, ओबेसिटी की आपको प्रॉब्लम थी, कितने समय से आपको ये प्रॉब्लम? ये दो जी 10-12 सालों से। अच्छा, 10-12 साल सीजरियन के बाद ज्यादा हुआ था प्रॉब्लम। अच्छा, आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके लिए आपने और भी कहीं से ट्राई किया था इससे पहले कुछ? हाँ जी, पहले मैं हर बार ट्राई करती रहती थी पर कहीं से फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो अभी आपने क्या यूज किया मैम? अभी तो ये AWTL का ग्रीन टी। अच्छा, एक तो इन्होंने हमारी कंपनी एसलीपीएस वेलनेस का हर्बल टी। हाँ जी। और साथ में आपने लिया था एसलीपीएस वेलनेस का स्लिम डॉग। और साथ में जो इन्होंने यूज किया था एसलीपीएस वेलनेस का ओपेडॉग। अच्छा मैम, कितने समय से आप एसलीपीएस के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं? मतलब 1 मंथ से ज्यादा हो गया।
अच्छा, 1 महीने से ज्यादा टाइम आपको इसको लेते हुए हो गया, तो मैम कितना फर्क हो गया 1 महीने के अंदर आपके? सर 1 महीने में मुझे 7 kg वेट कम हो गया। क्या बात है मैम, बहुत जबरदस्त कि 1 महीने में 7 किलो वेट कम हो गया आपका। और क्या बताना चाहेंगे आप इस एस्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैं सब बेस्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट से। अच्छा, पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा अपने बॉडी के अंदर आप कैसा मूवमेंट फील करते हैं? मैं नहीं, मूवमेंट बहुत ही अच्छा है। जैसे पहले मुझे कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता था, मैं रूम में रहती थी बच्चों के साथ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं मैं जाऊँ, मैं कुछ करूँ, शरीर भी हल्का लगता है। जी जी, अदरवाइज तो मैं तो बेड और किचन में ही थी बच्चों के साथ, पर अब मैं जाती हूँ, फील्ड में भी जाना चाहती हूँ, बाहर निकलना, हर तरीके से शरीर भी हल्का लगता है। चलिए तो मैम, लास्ट में आपसे एक ही बात जानना चाहूंगा कि आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कि क्या आप लोगों को राय देना चाहेंगे कि आपको कैसे ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, कि क्या करना चाहिए? सर मैं तो यही चाहूंगी कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट्स यूज कर ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि, पर ये सबसे बेस्ट है। खुद मैंने यूज करके देखे अदर कंपनी के भी, पर वो इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा यही है। देखिए आज इतना ही शानदार रिजल्ट हमको मिला है कि 1 महीने के अंदर 7 kg वेट कम, और इसमें सिर्फ वेट कम के ही रिजल्ट नहीं, आज हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आज हर तरह की बीमारी पे हमारा एस्लिपियस का प्रोडक्ट बहुत शानदार रिजल्ट लेता है। तो यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने MD सर संजीव सर का, जिन्होंने इतने शानदार प्रोडक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से MCN चैनल के द्वारा आप लोगों के समक्ष रोजाना आता हूं। रूबरू एपिसोड जो महीने के अंतिम एपिसोड होता है, इसमें हम विशेष अतिथि को लेकर आते हैं। जैसे कि पिछली बार आपने रूबरू एपिसोड में देखा कि हमारे आदरणीय विधायक नेगी जी, विधायक जगत सिंह नेगी जी थे। आज के इस एपिसोड में हम स्पेशल, हमने जो है आग्रह करके हमारे अतिथि महोदय वन निगम उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के आदरणीय श्री सूरत नेगी जी को आपके समक्ष लाने की हमने एक पेशकश की थी, वो हमारे मंच में आए हैं, पधारे भी। सबसे पहले हम उनका परिचय देते हैं, तो मैं बुलाता हूँ मंच पर प्रियंका नेगी को। प्रियंका जी, आपका स्वागत है मंच में। सर धन्यवाद सर, इस रूबरू एपिसोड के लिए स्पेशल आप बतौर जो है आप अतिथियों का जो है स्वागत करते हो, तो कृपया आज के जो हमारे अतिथि महोदय उनका जीवन परिचय दे, उसके बाद हम इस एपिसोड को आगे की ओर लेके जाते हैं। स्वागत है प्रियंका जी। धन्यवाद सर। महोदय जी का परिचय मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। श्री सूरत नेगी जी बरी गांव तहसील निचार जिला किन्नौर के निवासी हैं। इन्होंने BA व LLB की शिक्षा प्राप्त की है। यह 1986 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तथा 1991 में सोलन में 11वीं कक्षा में यह क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में जीते एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बने। 12वीं में दोबारा यह क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने और इस चुनाव की विशेषता यह रही कि 137 में से 136 वोट इन्हें पढ़े। उसके बाद ABVP के महाविद्यालय अध्यक्ष, सचिव एवं प्रदेश सह सचिव हिमाचल की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। सोलन महाविद्यालय में ये बास्केटबॉल कैप्टन भी रह चुके हैं। इन्हें बास्केटबॉल, लॉन्ग जंप में स्टेट खेलने का मौका भी मिला है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद LLB की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रवेश लिया और विश्वविद्यालय में जाते ही ABVP के अध्यक्ष का दायित्व इन्हें मिला और 27 वर्षों के बाद पहली बार ABVP जीती थी। विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए ऑल हिमाचल स्टूडेंट्स एसोसिएशन चंडीगढ़ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने और 2 वर्षों तक इसका निर्वहन इन्होंने किया। उसके बाद ABVP के पूर्णकालिक बने और चंडीगढ़ के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी इन्हें मिली।
2 वर्षों तक चंडीगढ़ के संगठन मंत्री रहने के बाद अमृतसर के विभाग संगठन मंत्री की जिम्मेदारी इन्हें मिली और वहां भी 2 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया। फिर 3 वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट में संगठन मंत्री के रूप में काम किया। 6 वर्षों तक एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे। कुल मिलाकर 1991 से 2007 तक एबीवीपी में भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों का इन्होंने निर्वाहन किया। 2007 में राजनीति के क्षेत्र में आए और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हें मिली। दिसंबर 2009 में जिला किन्नौर भाजपा के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने तथा 2016 में भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हें मिली। 2017 में हिमाचल की सरकार आने के बाद संगठन एवं श्रीदेव जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हिमाचल सरकार में वन विभाग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ किन्नौर के समन्वय की जिम्मेदारी भी इन्हें मिली। ये 2019 से भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं। ये थी हमारे महोदय जी के बारे में जीवन परिचय। धन्यवाद प्रियंका जी, आपने बड़ी खूबसूरती से हमारे आदरणीय अतिथि मोदी का परिचय करवाया। धन्यवाद। मैं किन्नौर के सभी जो हमारे दर्शक है उनसे यही निवेदन करता हूं कि हमारे अतिथि के बारे में जीवन परिचय बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में हम सिर्फ तनाता नहीं जानते लेकिन उनके संघर्षों को नहीं जानते कि संघर्ष कितना रहता है। कहते हैं कि एक एक अध्यापक बनने के लिए, एक वकील बनने के लिए और एक राजनीतिक बनने के लिए बड़े अंत सबका मेहनत है, लेकिन अलग अलग जो प्रक्रिया से गुजरना होता है। यहाँ हमारे अतिथि महोदय ने जिस प्रकार से राजनीति में अपना करियर जो बनाया है तो उसके बारे में हम अब आगे की परिचर्चा हम करेंगे, मंच पे बुलाते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया आज हम मंच में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रतिक्रिया रखा है। लेकिन मेरे को अगर कोई ऐसा प्रतिक्रिया दिखता है जो किन्नौर के हित में हो वो मैं जरूर अतिथि महोदय के समक्ष रखूंगा। तो मिलते हैं हमारे अतिथि महोदय से। तो मैं ज्यादा से ज्यादा हमारे किन्नौर के दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कृपया इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया करें। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का ये जो कार्यक्रम है आप YouTube में हमारे एमसीएन प्रोडक्शन YouTube में देख पा रहे हो और हमारे केवल नेटवर्क एमसीएन चैनल के नंबर 1 में भी देख पा रहे हो और साथ में हमारे एमसीएन पेज में। तो इसके लिए मैं एमसीएन टीम के सभी जो मेरे एमसीएन टीम के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। तो प्रियंका जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आप व्यस्त समय निकाला, आपका तबीयत खराब है, आपने कल इंजेक्शन लगाया तो आप लेफ्ट हो सकती हो, तो धन्यवाद। नमस्कार महोदय, आपका एमसीएन पेज में स्वागत है। महोदय आपका आपको नमस्कार और समस्त आपके व्यूवर्स को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। महोदय जी, आपने हमारे एक आह्वान से ही आपने समय निकाला, ये बहुत हमारे जो राजनेताओं को श्रेय जाता है, किन्नौर के लिए जो है समय निकाल रहे हैं, किन्नौर की जनता के लिए समय निकाल रहे हैं। तो महोदय जी, जिस प्रकार से आपका जीवन परिचय में काफी चीज निकला था, इसमें से हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो है परिचय में बीए एलएलबी की पढ़ाई की है और आप चाहते तो बेहतर वकालत कर सकते थे, आपने अपना नाम कमा सकते थे, लेकिन छात्र संघ राजनीति के बाद भी आप राजनीति से जुड़े रहे। जबकि हिमाचल में श्रद्धेय जयराम जब 2019 में जब हमारी सरकार आई उसके बाद आपने किन्नौर की बागडोर को संभाला है, लेकिन राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में आना थोड़ा सा आप हमें बताएंगे, जबकि आप एक जो है कुशल जो है वकालत की ओर जा सकते थे, वहां भी लोगों की सेवा कर सकते थे, लेकिन छात्र संघ में तो होता है जोश होता है, उसे में उत्साह होता है, उमंग होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसकी बागडोर को बनाए रखा। और उसके बावजूद भी जब आप 47 का जब आपने देखा होगा कि राजनीति में जो लोगों का रुझान होता था कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन आपने खाली जो है मतलब अपने जो है संगठन और उसके बाद बीजेपी को ही पकड़ के रखा, तो कारण क्या है इसके पीछे, आपका कौन ऐसा
गुरु रहा, कौन ऐसा जो बादशाह रहा जिनका आशीर्वाद से आप जो है यहाँ तक पहुंचे, तो जरूर हमारे दर्शकों को बताएं महोदय। स्वागत भगत जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस बहुत ही जिला किन्नौर में जो आपका MCN पेज है ये बहुत पॉपुलर है, मुझे इसमें बुलाया, मुझे अपना विषय रखने का मौका आपने दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपने जो विषय कहा है कि भाई राजनीति में क्यों आए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मेरे परिवार का नहीं है। मैं जो है मेरे पिताजी तो ग्राम सेवक के रूप में नौकरी ज्वाइन किए, उसके बाद भिन्न भिन्न पदों पर रहे। मैं जैसे परिचय में प्रियंका जी ने परिचय दिया है कि 1986 में जब मैं बाबानगर में पढ़ता था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, और वो खेलते खेलते ऐसे ही जुड़ गए, कोई पता तो मालूम नहीं था कि ये कौन सा विचार है क्या है, लेकिन बास्केटबॉल का मैं प्लेयर रहा तो हम बास्केटबॉल ग्राउंड में जाते थे तो वहां शाखा लगती थी और वो कई बार हम गालियां देते थे उनको कि भाई हमको खेलने नहीं दिया जा रहा है, क्या है बच्चे भी 7 साल का बच्चा भी शाखा में आ रहा है, 60 साल के बुजुर्ग भी आ रहे हैं, तो बड़े प्यार से बोलते थे नहीं आप भी खड़े हो जाओ, आप भी प्रार्थना करिए। तो इस तरह से संघ में प्रवेश हुआ। और जब कॉलेज में मैं गया, आपने कहा कि भी कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन कॉलेज के समय में कम्युनिस्टों का बोलबाला था। किन्नौर के लोगों को जो है SFI में ही ज्वाइन करना पड़ता था, SFI ही ज्वाइन करना पड़ता था, किसी और विचार से आप नहीं जुड़ सकते थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा तो मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, और मैंने कहा भाई कम्युनिस्टों को, मैंने कहा था कम्युनिस्ट मित्रों को भी आप मुझे समझाइए कि कम्युनिज्म मुझे क्यों ज्वाइन करना है। आप सिर्फ ऐसे नहीं चलेगा कि आप किन्नौर के हैं इसलिए SFI ज्वाइन करो, ये नहीं चलेगा। आपको SFI मेरे से SFI में काम करवाना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि SFI की उपलब्धियां क्या है। लेकिन मुझे विद्यार्थी परिषद के नारे अच्छे लगते थे, देशभक्ति के नारे लगते थे, तो मैं विद्यार्थी परिषद में ज्वाइन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय इस तरह का गुंडागर्दी जो है SFI करती थी कि किन्नौर का कोई भी व्यक्ति बाहर जाए उसको डराया धमकाया जाता था। वो जब मैं दोबारा +2 में CR बना, जैसे परिचय में आया, सिर्फ एक जो कैंडिडेट उनका वोट मुझे नहीं पड़ा, बाकी सबका वोट मुझे पड़ा। वो भी मुझे पूछ गए थे कि मुझे अपने लिए डालूं या आपको दूं, मैंने कहा भाई अपने लिए दे दो। इसलिए जब मैं दोबारा CR बना तो मुझे याद है कि किन्नौर स्टूडेंट कैलाश स्टूडेंट एसोसिएशन से मुझे निकाला गया था। ये इसलिए निकाला गया था कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उन जो समस्याओं से जूझा और मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में रहा, और दोबारा जो है वहां कैंपस का सेक्रेटरी, कैंपस का प्रेसिडेंट मुझे दायित्व निभाने का मौका मिला और वहां से हमने शुरू किया। लेकिन राजनीति में कभी आएंगे ये तो कल्पना नहीं किया था, राजनीति में कभी आएंगे ये कभी सोचा नहीं था। और माता पिता कहते थे भाई आपको पढ़ा रहे हैं तो जल्दी नौकरी जो है नौकरी में लगना है, भाई साहब का भी यही आग्रह था। लेकिन मैंने 98 के अंदर पिताजी को चिट्ठी लिखा कि शायद मैं अब नौकरी नहीं करूंगा और राजनीति में आऊंगा, ये सोचा नहीं था, लेकिन संगठन में काम करने का था। क्योंकि एक हमारे वरिष्ठ प्रचारक ने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भाई अपने लिए तो पशु भी जीता है, इंसान अगर बने हैं तो समाज के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए जी सकते हैं क्या, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये बात मेरे मन में ऐसे जो है घर कर गई, हमें लगा कि नहीं अगर हम सिर्फ अपने लिए जीना क्या है, देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए हम जी सकते हैं क्या, इसमें हमने प्रयास किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसके बाद इन शब्दों ने, और उसके बाद एक और बात हमारे वरिष्ठ प्रचारक जी ने कहा, उन्होंने कहा जब आप मंदिर जाते हो तो फूल कौन सा लेकर जाते हैं, बिल्कुल गार्डन से बिल्कुल फ्रेश फूल उतार के जाते हो, निकाल के जाते हो चढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से ये जो भारत रूपी देश है, भारत रूपी धरती जिसको हम भारत माता कहते हैं, यदि इसकी सेवा करनी है तो कब करनी है, क्या 60 साल के बाद करनी है क्या, तो
तो जवानी में देनी है, जवानी में अपने को समर्पण करना है। इसलिए ये सारी बातें जब ध्यान में आई, जब विषय संगठन विचार से लेकर इस बात इस तरह के जो प्रेरणादायक शब्द हमें सुनने का मौका मिला, मार्गदर्शन मिला, तो फिर एलएलबी करने के बाद जो है पुरनकालिक कार्यकर्ता के रूप में देश और समाज की सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला। तो यहीं से हम शुरू हुए और राजनीति में आएंगे कभी कल्पना नहीं किया था। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट में जब काम कर रहा था, मैं बीमार हुआ, मुझे जॉन्डिस हुआ और बुरी तरह मैं बीमार हुआ। जब 5 ग्राम खून रह गया था, मैं खड़ा नहीं रह सकता था, खून बनना बंद हो गया, उसके कारण मैं वापिस हुआ। और उसके कारण वापिस हुआ, 6 महीना पीजीआई में मैं एडमिट रहा। और उन परिस्थितियों से निकल के फिर जब घर की वापसी हुई तो मैंने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया। और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद फिर राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कहा, भाई जब हमने सोचा है कि जीवन में जो है समाज के लिए काम करना है, तो फिर राजनीति में प्रवेश करके फिर किन्नौर की सेवा करना है, इस दृष्टि से निर्णय लिया। बहुत खूब सर, खुशी की बात ये कि आज यहाँ पर कुन्नू चारंग से देख रहे लोग, चलिए इस पर भी हम विषय बात बीच में करेंगे, बहुत बहुत बधाई वाली बात है। महोदय जी, जैसे कि अब आपके पास जो है किन्नौर की बागडोर का एक सत्ता मिला, भले ही अभी चुनाव के द्वारा आपको जो है अभी कोई इस प्रकार का जो सत्ता मिला नहीं है, लेकिन श्रद्धेय जो है हमारे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आप किन्नौर की बागडोर को संभाल रहे हो। ऐसे में आपको जो पद मिला है वन निगम उपाध्यक्ष बनते ही, आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर में और किन्नौर के अंदर में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां सामने दिखी, और उसमें से उन चुनौतियों में सबसे पहले ऐसे कौन से लगे कि जो मुझे करना चाहिए? आप किन्नौर को लीजिए सर पहले। आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैं थोड़ा सा पहले निगम वन निगम की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे विपक्ष के मित्र काफी वन निगम की चिंता करते हैं। इसलिए वन निगम के जब जिम्मेवारी मुझे मिली, मैं आपके माध्यम से जो है पूरे व्यूवर्स को जो है मैं बताना चाहता हूं कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का जो है गठन 1974 में हुआ, और 1974 से जो है 2012 तक हमारा कॉर्पोरेशन बहुत बढ़िया काम किए, और सिर्फ उसमें 45 करोड़ का नुकसान हुआ 1974 से 1912 के बीच। लेकिन ये विडंबना देखिए कि ये कांग्रेस के हमारे मित्र बहुत बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मैं उसकी राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तथ्य रखना चाहता हूं। 2012 से लेके 2017 तक 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, और इस कार्यकाल में जो है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का नुकसान जो है 67 करोड़ का हो गया इन 5 सालों के अंदर। और ऐसी परिस्थितियों में श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी ने जो है हिमाचल प्रदेश में कार्यभार संभाला और मुझे जिम्मेवारी दी, और आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी माननीय मंत्री थे। और जैसे ही हम लोगों ने जो है कार्यभार संभाला, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में आना शुरू हुआ, 16 करोड़ का नुकसान उस समय था, और हमारे आने के बाद जो है लगभग 1 करोड़ का फायदा हुआ, और पिछले 3 सालों से 2.5 करोड़ का एक हुआ है, उसके बाद अभी जो है ऑडिट होना है, उसका भी लगभग हमारा अनुमान है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट उसके अंदर है। कुल मिला के उससे बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं, और ये ठीक है कि कम्युनिटिव जो नुकसान है 113 करोड़ का कॉर्पोरेशन का है, लेकिन जो हमारे को जो जिम्मेवारी मिली है इस 3 साल के अंदर जो है कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में है। और जिला किन्नौर की दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं कि जिला किन्नौर में आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है कि आप विधायक नहीं हैं, इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती रही होगी। निश्चित रूप से बहुत सारी दिक्कतें आई, और सबसे बड़ी दिक्कत जो आई है हमारे माननीय विधायक जी का जो विकास विरोधी जो मुहिम उन्होंने छेड़ा, जिस तरह से अभी भी वो बोलते हैं कि छुटबुया नेता, आपने संघर्ष मेरा देखा कि 30 सालों का संघर्ष हमने किया है, बहुत लंबा संघर्ष किया है, ये 3.5 वर्ष सत्ता से बाहर है, हालांकि घर बैठे बैठे 2 लाख रुपए महीने का ले रहे हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होकर किस तरह से ये छटपटा रहे, किस तरह से अपना आपा खो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं।
लेकिन हमने जीवन में समाज के प्रति समर्पण की भावना से 30 साल हमने बिना कोई कुछ पद लिए, कोई बेनिफिट लिए समाज से या पार्टी से, हमने संघर्ष किया है और मेहनत किया है, समाज के लिए काम किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर जिम्मेवारी सदे ठाकुर जयराम जी ने दिया है और मेरी पार्टी ने दिया है, मेरे संगठन ने दिया है, उसके बाद जो है किन्नौर में संभावनाओं को हमने तराशा कि जिला किन्नौर के अंदर किस किस क्षेत्र में कौन सी संभावना है, क्या क्या जरूरतें हैं, उसके अनुसार जो है उस क्षेत्र को डेवलप करने का हमने प्रयास किया है। और उसमें कठिनाइयां बहुत है, अगर आप विधायक होते तो पीएससी के चेयरमैन होते, लाड़ा के चेयरमैन होते, उसके कारण जो है आपको पूरा का पूरा कंट्रोलिंग विकास की दृष्टि से आपके हाथ में आता है। लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे वो बजट का विषय हो, चाहे वो बीएडीपी का विषय हो, पूरे का पूरा जो है किन्नौर को हमने उसको स्टडी किया है। उस दृष्टि से मेरे ध्यान में मोटा मोटे एक बात आई कि निचार ब्लॉक में सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं देख रहा था पूरा किया तो हमारे स्वर्गीय चेतराम जी यहाँ से विधायक रहे और निचार ब्लॉक के जितने भी सड़कें हैं सारी की सारी सड़कें उनके समय में बजट में रखा गया, लेकिन उसमें जिस लेवल पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी भी सड़कों से हम बहुत महरूम है उस क्षेत्र में, उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और पूर्व ब्लॉक में मुझे लगा कि वहां जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ये जो नेटवर्क की समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। नेटवर्क जो है हम लोग जियो का टावर शनखर में लगाने में सफल हुए हैं, आपने जिक्र किया है, कुनू में आज शुरू किया है, पहली बार आजादी के बाद पहली बार कुनू के लोग जो है वहां फोन का प्रयोग कर पा रहे हैं, वहां आपका एमसीएन जो है प्रोग्राम देख पा रहे हैं। आश्रम में हम करने में सफल हुए, आश्रम में हमने शुरू किया, ग्याबंग में बीएसएनएल शुरू किया है और किन्नौर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहां भी नेटवर्क की समस्या, विशेष रूप से पूर्व ब्लॉक में, उसका हमने समाधान करने का प्रयास किया है। और कल्पा ब्लॉक में जो है, कल्पा ब्लॉक हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की दृष्टि से रिकॉन्पियो को और ब्यूटिफाई करने की आवश्यकता है और यहाँ पर जो है बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको, चाहे वो अभी हमने यहाँ पर रामलीला ग्राउंड जो है उसको आने वाले समय के अंदर देखना कि आपको जो हमने मॉडल किन्नौर के अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप में चलाया तो लोग कह रहे थे सूरत ने कि ये जो मॉडल भेज रहा है किसी दूसरे क्षेत्र का है, ये झूठ बोलता है, ये नहीं बन सकता। लेकिन वो जो है रिकॉम्पियो में टेंडर भी हुआ है, श्रद्धे मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है, बहुत जल्दी रामलीला ग्राउंड जो है उसका स्टेडियम बनेगा, नीचे पार्किंग बनेगा, उसके सामने बालकनी होगा, नीचे उसका पार्किंग है, ऊपर पार्किंग है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी मुझे, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं सिक्किम में रहा हूं, सिक्किम में छोटा सा प्रदेश है लेकिन चाहे वो गैंगटॉक तो बहुत सुंदर है ही है लेकिन नामची एक छोटा सा क्षेत्र है, जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री ने उसको सुंदर बनाया है तो रिकॉन्पियो ना केवल हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बल्कि हमारा टूरिज्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसको डेवलप करने का हमने प्लान बनाया है। और सांगला के अंदर इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लेकिन वहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। आप अभी आप जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि बहुत भव्य स्टेडियम हमने वहां जो है पार्किंग की दृष्टि से बनाया और कार्यक्रम करना है तो उसको जो है उसको स्टेडियम के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो बड़े बड़े जो समस्याएं हर ब्लॉक की थी उनको हमने पहले एक्सप्लोर किया है, उसके बाद उस दृष्टि से हमने काम करने का प्रयास किया है। मैं ये कह सकता हूं कि भाई समस्याएं हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन उनके ध्यान में ये नहीं होगा कि मैं फाइटर हूं, मेरा फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, यानी कि मेहनत करना और हार ना मानना, कोई काम नहीं होगा ये मैं सोच ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि मेहनत करके जो है किसी भी कार्य को हम जो है अचीव कर सकते हैं और सदे ठाकुर जयराम जी का पूरा आशीर्वाद रहा और उसके कारण जो है एक नया परिभाषा आज किन्नौर में हम दे पाए। हमने कहा कि जैसे आप, मैं आपका एमसीएन देखता रहता हूं, कई बार आप बोलते रहते हैं कि विकास आधार होना चाहिए राजनीति का, विकास के आधार पर मैं राजनीति करना चाहता, विचारधारा के आधार पर राजनीति करना चाहता हूँ, मुद्दों के आधार पर राजनीति करना चाहता हूँ। महोदय जी, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं,
पहले आपको बधाई का गिनती कराऊंगा। आपके आपका जैसी किन्नौर की बागडोर संभाला तो आपके कुछ मैं आपके काम का यहाँ पर बधाई देना चाहता हूँ। उठाई उठाऊ पेयजल योजना आपने शुरू की है, जिसको आप पू एरिया में चल रहा है। दूसरा लिप्पा करला सिंचाई योजना चल रहा है। सांगला करछम रोड जो है, स्तारक रोड का ये अब अभियान चल चुका है। हेलीपैड अब भावा वैली का आपने जो है इसके ऊपर काम काम किया। और टापरी सब्जी मंडी को विस्तार तौर से इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पर आप काम कर रहे हैं। और कोल्ड स्टोर किन्नौर पर थोड़ा सा इस पर भी हम बात करेंगे। कोल्ड स्टोर किन्नौर का आप जो है, जो हमारे जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस हो रहा है, वो उस पर आपने काम किया है। और नाथपा रोड जो है, जो पाला जो रुका हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका है। और रूपी रोड जो है अब कंप्लीट हो चुका है। और निगलसरी सराय भवन जो है कार्यरत पर है। और निगलसरी सेकेंडरी भवन भी ये भी कार्यरत है। और स्टेडियम भावानगर ये हमारे लिए मैं कहता हूँ हमारा जो टापरी से नीचे और निगलसरी से ऊपर के लिए बहुत बेहतर हो गया। और आपका भावा वैली भी और आपका काफी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद इसमें हमारे को दिख रहा है। और दूसरा छोटा कम्बा पीएससी जो है पूरा हो चुका है। सभी पंचायतों के रोड के लिए आपने नए बजट के जो है प्रावधान कर दिए है। और दो फायर स्टेशन जो बहुत ही जरूर थे हमारे किन्नौर के लिए, मैं आवाज उठाता रहता था पेज में, ये भी जो है भावानगर सांगला में जो है इसका विस्तार होने वाला है। और पीओ में मल्टी स्टोरी पार्किंग का बजट जो है इसमें जो आपने अभी कहा। और कुन्नू चारंग जियो नेटवर्क जिसमें आज आज ही यहाँ प्रतिक्रिया मिला कि आज से शुरुआत हुआ है। और पंचायत इलेक्शन में बीजेपी का महत्वपूर्ण जो है आपने प्रदर्शन इस बार आपका रहा है, वो उसके लिए भी बधाई। और साथ में नए पंचायत बनाने के लिए सबसे पहले नए पंचायत जो इस बार किन्नौर के लिए मिला उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और महोदय जी एक एक और हम चाहते हैं, जिस प्रकार से मेरा अपना जो है कि सबसे ज्यादा कला प्रेमी आपको भावानगर में दिखेंगे। भावानगर में 30 सालों से रामलीला होती है। अगर हमारा ये रामलीला मंच को भी आप उस प्रकार से बनाएंगे तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। ये आपके नोटिस में दे रहा हूँ महोदय जी, क्योंकि कला का जो है यहाँ पर हमारे जितने भी कलाकार हैं वो बहुत उत्सुक रहते हैं कि अगर हमारा भी छोटा मोटा यहाँ पर कोई मंच बने। चलिए आगे के सवाल जाते हैं, आपके लिए बधाई सर। आगे और भी है। राम भगत जी, मैं इसका सवाल का जवाब देता हूँ जो आपने कहा है। जी। इसके बारे में जो है हमने चर्चा किया है, क्योंकि मैं बास्केटबॉल में वहां ग्राउंड में 5 साल खेलता रहा हूँ। और रामलीला उस समय जब हम पढ़ते थे तो पलिंगी में मेरा हमारा मकान है, वहां से मैं पैदल रामलोक रात को देखने आते थे। इसको हम थोड़ा पीछे लेकर जो है भव्य स्टेडियम हम बनाएंगे, आपको बता रहा हूँ। इसको इसको कैसे बनाना है मेरे दिमाग में है, मेरे ध्यान में है। जिस तरह से हमने रिकांगपियो का बदलाव किया है, उसी तरह से भावानगर में आपने देखना आने वाले समय के अंदर इसको हम भव्य बनाएंगे। जी महोदय जी धन्यवाद। हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन से पहले बन जाए तो और बेहतर है। चलिए, प्रक्रिया बहुत लंबी रहती है, इसमें करना होता है। फिर आपका और बधाई के पात्र और देंगे सर। घर घर आपने जो इंसुलेशन किट दिया, जो शरदे जो जो हमारे मुख्यमंत्री ने दिया था, आप जो घर घर जाके उनके हाल चाल पूछे, उनको उनको हौसला दिया, ये भी बहुत सराहनीय काम रहा। आपने पू के लोगों के लिए जो होजो नाइल जो सिंचाई का स्कीम है, आप वहाँ जाकर आपने निरीक्षण किया। और सांगला में बन रही जो ये इसका मैंने जिक्र किया। और साथ में सर सबसे बड़ी बात है कि 33 बार आपने जो है ब्लड का डोनेशन किया, ये सोचने बात है। लेकिन इसमें एक आपको गंभीर आरोप भी लगा है किन्नौर के अंदर में रक्तदान का एक कुछ बनने वाला था हॉस्पिटल में, उस पर आपने जो है सर मतलब रुकवा दिया है। इस पर आप थोड़ा सा संज्ञान देंगे, अगर इस प्रकार का रक्तदान शिविर में कहां आपने अड़चन लगाई थी? पिछली बार के एपिसोड में कुछ ऐसा संज्ञान आ रहा था कि रक्तदान। जी क्या कोई रक्तदान में क्या है, बिल्डिंग में कोई दिक्कत? हाँ, रक्तदान शिविर के कुछ उस प्रकार का वहां पीओ में बनने वाला था, उस पर अड़चन लगा दिया था, अड़चन लगाया था संगठन ने आपने कुछ ऑर्गेनाइज ऐसा? करना था, ऐसा हाँ है? हाँ जी 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 सर जी जी नहीं, हम इन चीजों में नहीं पड़ते हैं। वो कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, यदि समाज के लिए ब्लड देना सबसे महादान है, रक्तदान यानी महादान है। मैं हर तीसरे महीने में पीजीआई में रक्त डोनेट करता रहा हूँ, सोलन में करता रहा हूँ। और मुझे पंजाब, मुझे पीजीआई वाले सर्टिफिकेट दे रहे थे। मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए डोनेट नहीं करता, मेरा समर्पण है समाज के प्रति। इसलिए अगर कांग्रेस के लोग भी करते हैं तो हम तो सहयोग करने वाले लोग, इतनी छोटी राजनीति नहीं है हमारी।
अगर जीवन का जवानी हमने विचार के लिए लगाया है, समाज के लिए लगाया है, तो इतनी छोटी सोच नहीं हो सकती। ये तो वही लोग सोच सकते हैं जिन्होंने 84 बार कभी राजनीति नहीं की। हमने भारतवर्ष का एक्सपोजर देखा है और समाज को हम समझते हैं कि किस तरह का काम हमें समाज के प्रति करना चाहिए। जी, एक प्रतिक्रिया आई है हमारे भावनगर के लिए। भावनगर के अंदर भव्य स्टेडियम का निर्माण सभी फॉर्मेलिटीज हो गए हैं, जल्दी ही उसका जो है शिलान्यास भी होना है, होने वाला है। इसके लिए प्रदेश यशस्वी जयराम ठाकुर जी का विशेष आभार और आपका भी आभार। धन्यवाद महोदय जी। शायद हमारे रामलीला वाली टीम इस मैसेज को पढ़ रहे होंगे। महोदय जी, जिस प्रकार से आप कहते हैं कि जगत सिंह नेगी जी खलनायक है और टीएस नेगी के सपनों को मैं साकार करूंगा, महोदय जी टीएस नेगी के जो सपने हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि उनकी क्या क्या सपने रहे, ताकि हमारी जनता जानेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया में काफी। जी राम भगत जी, मुझे इस बात की खुशी है जी कि मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, लेकिन हम विपक्ष में भी रहे तो किन्नौर के विकास से संबंधित कोई बात हो। मैंने एक बात शुरू किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से किन्नौर की जनता को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे कुछ ऐसे कार्य जहां शिलान्यास जगत सिंह जी ने किया है, हालांकि ये काम पूरा नहीं करते, ये तो फट्टे लगाते हैं, तभी मैं कहता हूं फट्टा मास्टर है। अब ये कह रहे थे कि भाई फट्टे उखड़ रहे हैं, यदि आप काम नहीं करेंगे तो फट्टे तो उखड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अगर यदि काम हो जिससे जो है पूरे समाज को लाभ मिलता हो, हमने उन कार्यों को भी पूरा करने का काम किया है। और पूरे जगह जगह जो 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 भी काम बहुत पुराने समय से 15-20 साल से चल रहे हैं उसको किया। लेकिन जहां तक मैं बात करता हूं स्वर्गीय क्या नाम जगत सिंह के खलनायक की भूमिका की, ये जो है इस तरह की भूमिका कोई आदमी कैसे कर सकता है, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मैं हैरान रहता हूं। आप पीएससी की मीटिंग में इतना निम्न स्तर तक, हाथापाई करने तक, गाली गलौज तक, इस तरह का व्यवहार, ये जो है सिर्फ खलनायक की भूमिका जिसका जिसका उद्देश्य किन्नौर का विकास रोकना है वही कर सकता है। और ना केवल यहां पर बल्कि जनमंच में महिला नेत्री के साथ जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी उस दिन किया है, ये सारी भूमिकाएं जो है आप विधानसभा के अंदर देखेंगे, ये वो दिखाते हैं जो श्रद्धेय मुख्य प्रधानमंत्री जी को चोर कहने वाला व्यक्ति, उसको सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि किस व्यक्ति के बारे में वो बोल रहे हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं किन्नौर की जनता को, मेरे ऑफिस में कम से कम 6-7 सवाल हर विधानसभा में होते हैं। आपको कोई आदमी नहीं दिख रहा है मेरे ऑफिस में क्या मिलना है, मेरे ऑफिस में एक पैसे का हेरा फेरी नहीं होगा, एक पैसे का हेरा फेरी नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जो मर्जी आरटीआई में ले ले, 1974 से 2021 तक जो भी वाइस चेयरमैन रहा उसमें सबसे कम खर्चा सूरत नेगी का होगा। मैं अपने सरकारी गाड़ी को अपनी व्यक्तिगत गाड़ी की तरह केयर करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन इस तरह का विकास के जो मुद्दे आपको विधानसभा में उठाना चाहिए, आप सूरत नेगी के व्यक्तिगत सवालों के ऊपर पड़े हैं, आपका स्वागत है, आपका अधिकार है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको जो ऑनरेरियम मिलता है किन्नौर की जनता ने जो चुना है इन कामों के लिए नहीं किया है, किन्नौर के मुद्दों को, जो किन्नौर के जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको विधानसभा में उठाने के लिए किया है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को डराना धमकाना वो आज से निकल गया, शुरू में 1-2 साल इन्होंने किया लेकिन वो हुआ नहीं, और इनको लगता था ये सूरत नेगी विधायक तो रहा नहीं, इसको क्या पता होगा, और हम जो है किन्नौर में विकास होने नहीं देंगे। लेकिन सारे के सारे जो है हर स्थान पर हमने एक्सपोज करने का काम किया है। जब मैं कहता हूं कि श्रद्धेय स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी जी के आदर्शों को हम पूरा करेंगे या उनके सिद्धांतों पर किन्नौर में राजनीति करना चाहते हैं, उनका बेसिक सोच ये था, उनका बेसिक सोच था कि किन्नौर और किन्नौरियत जिंदा रहे पहली बार, और क्षेत्र का विकास हो, लेकिन क्षेत्र के विकास के साथ साथ हमारा जो किन्नौरों का आइडेंटिटी है वो खत्म ना हो, हम उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते। किसी भी क्षेत्र के साथ वो भेदभाव नहीं करते थे, उनको प्यार किन्नौरों पर किन्नौरापन से था, वो किन्नौर से प्यार करते थे, हम उस राजनीति को उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते। वो चाहते थे
किन्नौर के संपूर्ण किन्नौर का विकास करें और उसी राजनीति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी के जो अधूरे सपने हैं हम उनको पूरा करना चाहते हैं। जी धन्यवाद महोदय, आपका ये था। और ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए जो अब हमारे जो प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया उस पर भी जो है बहुत बहुत बधाई आपके लिए। और सर हिम केयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभान्वित जो भी कोविड से जो जो रोगियों को जो निजी क्लिनिक में भी जो है अब मुफ्त जो है सुविधाएं दी है उसके लिए भी जो है बहुत बहुत बधाई। और 2007 में यहाँ एक विशेष है, 2007 में विधानसभा घेराव के दौरान आप पर लाठीचार्ज हुआ है और जख्मी हालत में आप IGMC में भर्ती हुए थे और आपके 10-12 टांके लगे थे, तो ऐसे में आप बताएंगे कि किन विषयों पर जो है आपने विधानसभा का घेराव किया था? और तो एक और लाइन है इसमें, लास्ट में एक लाइन है, उसके बाद हम जनता का मुद्दा उठाएंगे। सर किसी का लाइन मत काटो बल्कि अपनी लाइन को लंबा खींचते रहो, ये एक स्लोगन है, इस पर भी आप बताएं और उसके बाद हम जनता की ओर जाएंगे सर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में हिमाचल के जनता के समस्याओं को लेके विधानसभा का घेराव किया था और कांग्रेस का शासन था। उस समय हम नारे लगा रहे थे, किन्नौर के हो चाहे प्रदेश के भिन्न भिन्न स्थानों के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन तानाशाह सरकार ने जो है हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया, क्योंकि युवा मोर्चा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था और युवा मोर्चा उसको लीड कर रहा था आगे जो है आंदोलन को, और हम नारे लगा रहे थे सिंपल। पहले तो इन्होंने पत्थर फेंके, उसके बाद लाठी चार्ज किया और मेरे सिर पे 10 टांके लगे थे। इसलिए जो है बहुत सारी समस्याएं समाज का काम करते हुए आती है, मैं उसी दृष्टि से उसको लेता हूं, लेकिन ये जो है डिक्टेटरशिप उस समय जो है उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने किया था, लेकिन उसका खामियाजाना उनको ये भुगतना पड़ा कि 3 महीने के बाद जब हिमाचल में चुनाव हुए तो जनता ने जो है हिमाचल की सरकार से उनको बेदखल किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाए। और जो आपने एक लाइन पढ़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है जी, कि हम समाज का या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम किसी का लाइन काट कर, किसी की बुराइयां करके, किसी को रोकने का प्रयास करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमें संगठन में सिखाया जाता है, हमें संगठन में सिखाया गया है कि कोई आपका विरोध करता है तो उसका विरोध उस दृष्टि से नहीं करना, बल्कि अपने मेहनत करके अपना कद आगे बढ़ाना, अपना लाइन आगे बढ़ाना। मुझे लगता है कि जो लाइन हमें संगठन ने सिखाया है हम उस लाइन पर काम कर रहे हैं और इस विचार पर मेरी पूरी आस्था है। आज हमारे साथ बैठे आदरणीय हमारे वन निगम के उपाध्यक्ष आदरणीय सूरत नेगी जी, यहाँ तक हमने उनकी जीवनी परिचय के साथ उनका संघर्ष को देखा और सरकार की जो कार्य प्रणाली को देखा। अब हम जनता के जो सर्वे के द्वारा हम सवाल रखते हैं उस पर परिचर्चा करेंगे। हमारा जो मुद्दा है वो पूरे किन्नौर के उठाए ही सवाल होते, किसी का निजी पानी जल विद्युत इस प्रकार का हमारा कोई सवाल नहीं है, होगा कोई भी सवाल होगा पूरा किन्नौर के भले के लिए हमने सर्वे करके उठाए। तो चलिए अब आज के हम आगे से जो जनता के सवाल रखते हैं। महोदय जी सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल, जिस प्रकार से आप जो है अभी वर्तमान में वन निगम उपाध्यक्ष हो, लेकिन लोगों की आश है कि डिपो की मांग है, टापरी का डिपो हो गया, हमारे भावानगर का डिपो हो गया, ऐसे कई और जगह के भी डिपो होंगे, तो अभी तक कहीं भी जो है डिपो की मांग जो है पूरी तरह से ली नहीं गई है, तो इसके लिए हमारे जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहला सवाल डिपो का आया है, क्योंकि कारण ये कि हमें पेड़ काटने की मनाही है, आदमी बीमार होता है, खासकर कोरोना काल में किन्नौर में इतने हादसा तो हुए नहीं, लेकिन अगर भविष्य में ऐसे हादसे होते तो हमें लकड़ी का बहुत दिक्कत करना पड़ रहा है, काफी चीजों का सामना नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में भावानगर में डिपो और टापरी में डिपो या अन्य कई आपके संज्ञान में आया तो उन डिपो को कब तक जो है आप जो है हमारी जनता को सौगात। रामगढ़ जी, एक तो इसकी हमको प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये सैंक्शन होते हैं। जब से मैं फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का वाइस चेयरमैन बना हूँ, मेरे ध्यान में सिर्फ टापरी का केस आया था जी। टापरी का केस आया था, निचार ब्लॉक में कहीं भी डिपो नहीं है क्योंकि अभी यहाँ जंगल है,
इसलिए टापरी का मेरे ध्यान में लाया तो टापरी का हमने सेंक्शन कर दिया है। उसका प्रक्रिया यह है कि पंचायत जो है रेजोल्यूशन देगा डिपार्टमेंट को, गार्ड के माध्यम से या डीएफओ को देंगे, तो वहां से वो प्रक्रिया शुरू होता है। उसके बाद जब सेंक्शन होता है, डिपार्टमेंट सेंक्शन करेगा, सेंक्शन करने के बाद जो है फिर उसके बाद सप्लाई का काम फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को दिया जाता है। कई बार मैं देखता हूं कि बहुत हमारे विपक्ष के मित्र काफी बोलते रहते हैं कि भाई फ्यूल वुड सप्लाई नहीं है, लेकिन फ्यूल वुड सप्लाई का एक जो है ना कौन से महीने किस एरिया में देना है हमारा रहता है, और नवंबर तक उसकी एक प्रक्रिया है, कॉन्ट्रेक्टर को हम देते हैं और हम जितना डिमांड किन्नौर में आ रहा है उससे ज्यादा ही हमको हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों को लगता है कि भाई ये डिपो भरा हुआ रहना चाहिए लकड़ी, कभी भी जो है वहां से ले, इसमें एक टेक्निकल विषय को हमको समझने की आवश्यकता है। हम डिपो को फुल नहीं रख सकते क्योंकि जहां से सप्लाई होता है उसका उसको तोला जाता है, जितना लकड़ी तोल के जितना क्विंटल होता है उतना ही पैसा कॉर्पोरेशन लेती है। मान लो किसी गार्ड को हमने 2 क्विंटल दिया है, निकला 1.5 क्विंटल, तो उसमें 50 जो है का जो है हिसाब उनको देना पड़ेगा। इसलिए जहां भी जरूरत है हम उसको सप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा स्टोर करने की इसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, उसके कारण हमको दिक्कत है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपके माध्यम से किन्नौर की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, हालांकि गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस है कि हर साल फ्यूल वुड जो है 10% हमको डिक्रीज करना है, लेकिन उल्टा हो रहा है कि इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, लेकिन जंगल हिमाचल प्रदेश में कहीं है नहीं। इसलिए मेरा आग्रह भी है आप सभी से, हालांकि हम हमारे समय में जो है कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी एक देखना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर जंगल नहीं होंगे तो लकड़ी कहां से आएगी, इस पर भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद महोदय। महोदय जी, अब लाड़ा से संबंधित कुछ सवाल आए हैं कि लाड़ा का चेयरमैन बदल गया उससे जनता को कोई मतलब नहीं है, लाड़ा का पैसा अगर दिखा सामने तो आदरणीय पूर्व विधायक तेजवंत जी के समय दिखा, जिन्होंने पूरे किन्नौर में चाहे वो महिला मंडल हो, युवक मंडल हो, देव समाज हो, स्कूल हो, आदि हो, को खूब बांटा, क्योंकि उस समय विपक्ष भी काफी जो है शोर मचाता था कि लाड़ा का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो उस समय लाड़ा का पैसा दिखता था कि वाकई में आ रहा है। तो ऐसे में जब से लाड़ा का चेयरमैन बदल गया या पूर्व सरकार थी, चाहे आप आदरणीय जगत सिंह भी रहे हो, तो उस समय का जो लाड़ा का पैसे आदरणीय तेजवंत जी की तरह दिखता नहीं है, कारण क्या है? और दूसरी बात, तो क्या लाड़ा का पैसे निकल रहा है या निकल रहा है तो क्या उसका उपयोग हो रहा है? क्या पुराने जो हमारे रुके हुए जो अभी तक कंपनियों ने जमा नहीं किया वो निकल रहे हैं? अगर नहीं निकले तो वो पैसे कब तक आने की उम्मीद है? जी, आपने बहुत ही वैलिड सवाल पूछा, लेकिन आपने एक बात कही कि भाई चेयरमैन कौन है हमारे लिए मतलब नहीं है। जी, लेकिन कांग्रेस के माननीय विधायक जी को इसी से मतलब है कि वो चेयरमैन क्यों नहीं बनाए गए, पीएससी और लाड़ा का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया है, इसका डिडोरा पीटते हैं और किन्नौर को गुमराह करते हैं। मुझे माफ करना, मैं इसके साथ पीएससी को जोड़ के भी आपका सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आगे शायद ना हो इसका सवाल। जी, एक बात इस बात को समझने का है कि पीएससी का चेयरमैन या लाड़ा का चेयरमैन विधायक होता है या डीसी होता है, एक ऐसा परसेप्शन है और इसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन इस बात को मैं बताना चाहता हूं, पीएससी का जो चेयरमैन है, पीएससी का चेयरमैन 1988 तक, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इनका, विधायक जी का, गलत तथ्य दे रहे थे, किन्नौर को गुमराह कर रहे थे, मैं वो करेक्शन करना चाहता हूं। पहली बार है किन्नौर में पीएससी का चेयरमैन पहले डिप्टी कमिश्नर होता था 1988 तक। 1988 में एक विषय ध्यान में आया कि 20 सूत्री कार्यक्रम में क्योंकि चेयरमैन एमएलए को बना दिया गया है, तो क्यों ना बाकी जगह भी एमएलए को चेयरमैन बनाया जाए। उसके तहत जो है किन्नौर के अंदर भी पीएससी के चेयरमैन बने, स्वर्गीय देवराज नेगी जी पहले पीएससी के चेयरमैन बने। 88 में कोई नियम, कोई एक्ट नहीं बना, कोई रूल नहीं बना, जस्ट गवर्नमेंट जिसको चाहता है ये क्या नाम है, विधायक या डीसी में से किसी को बनाया, उसके बाद ये प्रथा चली। उन्होंने एक बात और कही कि स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी जी को भी हमारी सरकार ने जो है विपक्ष में रहते हुए चेयरमैन बनाया, ये गलत तथ्य है।
आपने कब बनाया? 1988 में पहली बार देवराज नेगी जी बने और 90 में जो है हमारी सरकार थी, जब दोबारा से विधानसभा के स्पीकर बने स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी जी, हमारी सरकार थे तो ऑटोमेटिक उन्होंने रहना ही था। कांग्रेस ने तो अगर काम किया है तो स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी जी, जो किन्नौर के निर्माता है, किन्नौर के अधिकारों को जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है, उनको 1984 में विधानसभा स्पीकर से हटाने का काम आपने किया। और उसके बाद पीएससी का चेयरमैन जो है 1990 के बाद हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती रही, यानी कि किन्नौर में विधायक वही रहा, ट्राइबल एरिया में वही विधायक रहा जिसकी सरकार है। इसके कारण ये इस तरह की प्रॉब्लम कभी आई नहीं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जिला किन्नौर के अंदर जिसकी सरकार है उसका विधायक नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न आया कि पीएससी का चेयरमैन कौन होना चाहिए, लेकिन पीएससी का चेयरमैन तो सरकार की उपलब्धियों को जो ले जाएगा, जो सरकार की बात करेगा उसको बनाया जाएगा। इसलिए ये पहली बार हुआ कि जिसकी सरकार जो है नहीं है, जिसकी सरकार है उसका विधायक किन्नौर से नहीं है, तो इसलिए हमने डीसी को किन्नौर को बनाया है। इसलिए ये कहना कि भाई इलेक्टेड मेंबर का जो है अपमान हो रहा है, एमएलए का अधिकार है, एमएलए को नहीं बनाया जा रहा है, ये तथ्यहीन है, बिल्कुल गलत है, किन्नौर की जनता को गुमराह करने वाला है। किसी भी एक्ट को, किसी भी रूल को श्रद्धेय ठाकुर जयराम ने उल्लंघन नहीं किया है। ये जो है सरकार जिसको चाहे बना सकती है, और पहली बार ही हुआ है कि जिसकी सरकार है उसका विधायक नहीं है। और जो आपने लाड़ा का प्रश्न किया, मैं लाड़ा जो है, लाड़ा के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि किन्नौर में लाड़ा लाड़ा बेस्ड पॉलिटिक्स है, लाड़ा के लाड़े है ये सारे जो विधायक है। भाई लाड़ा तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, अफेक्टेड एरियाज की प्रॉपर्टी है, उसमें एमएलए का क्या कंट्रीब्यूशन है? यानी जगहों में आपका जो कड़छम वांगदू प्रोजेक्ट का पैसा 70% है, अगर उसने उसने लाड़ा की मीटिंग में सैंक्शन कर दिया तो कौन सा बड़ा काम किया? वो तो आपका अधिकार है। लेकिन मैं ये बात कर बताना चाहता हूं कि लाड़ा का चेयरमैन नहीं बनाया उस पर भी रोना है। माननीय विधायक साहब, माननीय जगत सिंह जी, आप लाड़ा के चेयरमैन थे, शूदारंग में शमशान घाट में आप लोगों ने गड़बड़ी किया, आपके जिसके जो आपने ठेकेदार जिसको काम दिया था उसने 16 लाख रुपए का गबन किया, विजिलेंस का इंक्वायरी चल रहा। आपने बिना यूसी दिए आपने एडवांस में पैसे कैसे दिया है, हम जानना चाहते। आपने जितने भी किन्नौर के अंदर 17-18 बास्केटबॉल ग्राउंड बने उसमें एडवांस पैसे दिया है। क्या हमारी सरकार ने ये घोटाले करने के लिए आपको चेयरमैन बनाना था? इसलिए पूरा, अगर आपको मैं चुनौती दे रहा हूं आज, अगर आपने सच्चे में लाड़ा में गड़बड़ी नहीं की है तो एसआईटी का गठन किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आपके चेयरमैनशिप में, इसमें रामगोपाल जी एक शब्द, इसमें आपके चेयरमैनशिप में पूरे लाड़ा में गड़बड़ी हुआ है, घोटाले हुए हैं। अगर आपको लगता है कि सूरत ने भी गलत बोल रहा है, मैं कह रहा हूं एसआईटी का गठन करिए, हम आपके साथ है, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाए। महोदय जी, आप राजनीति के चक्कर में हम जनता पिस जाते, हम जनता आपस में पिस रहे, हमारे को जो लाड़ा का जो हमारे को जो बेनिफिट मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पा रहे। आप लोगों की लड़ाई में कंपनी मजे ले रही है। महोदय जी, पहला सवाल, लाड़ा का पैसा, राम भगत जी एक मिनट, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, वो पॉइंट छूट गया। विषय इसका नहीं होता कि राजनीतिक पार्टियां लड़ रही है, विषय ये है कि आप सत्ता में हैं, लाड़ा में हमारा, क्योंकि मैं लाड़ा का पार्ट नहीं हूं, मैंने बहुत कोशिश कर लिया कि लाड़ा का मुझे मेंबर रहना है, लेकिन लाड़ा में जो आपकी समस्या है बिल्कुल जायज समस्याएं हैं, जिन जिन कंपनियों ने पैसा नहीं जमा किया उसमें हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है जगत सिंह जी से, 37 करोड़ रुपए लाड़ा के बिना लाड़ा मीटिंग के अप्रूवल जेपी कंपनी से आपने जो लेना था उनको अप्रूवल कैसे दिया गया है, इसका हिसाब किन्नौर की जनता को देना पड़ेगा, कड़छम वांगदू के लोगों को देना पड़ेगा। और जो पैसा बचा हुआ है उसमें हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें प्रयासरत है, हम उसको करेंगे। लेकिन 2012 में आप बहुत चिल्लाते रहे कि उस समय के हमारे विधायक ने कंपनी के साथ मिलकर पैसा खाया, इसलिए जो है इस तरह का बिना लाड़ा की मीटिंग के अप्रूवल के आपने जो है उनको अप्रूवल दे दिया। लेकिन आपने आते ही वही काम आपने भी किया, उसकी जनता को, किन्नौर की जनता को आप जवाब दीजिए कि 37 करोड़ का जो पैसा बिना लाड़ा के मीटिंग के अप्रूवल के
जेएसडब्ल्यू या जेपी कंपनी को कैसे दिया गया, यह किन्नौर की जनता जानना चाहती है। और जो पैसा बचा हुआ है उसको हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो 37 करोड़ का मैं मामला बता रहा हूं, इसका इसका जो है आप जगत सिंह से हम हिसाब मांग रहे हैं, और जगत सिंह को किन्नौर की जनता से जवाब देना पड़ेगा। महोदय जी, लाड़ा का पैसे जनता का पैसे है और जनता के हक के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक सवाल और है, लाड़ा से 2-3 सवाल रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सवालों में जाएंगे। लाड़ा का पैसा जो है, क्या लाड़ा का पैसा क्या कोरोना के बचाव के लिए पंचायतों को दिया गया? क्या सरकार के पास फंड नहीं था? इसके बारे में जनता का ये सवाल है, क्या अभी जो वर्तमान में कोरोना काल में क्या लाड़ा का पैसा जो है पंचायतों को दिया गया, ताकि जो है लोगों को जो है डाइट मिले, लोगों की जो है हर चीज का फैसिलिटी मिले? क्या आप बता रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं कि लाड़ा का पैसा जो है कोरोना के लिए दिया गया है, किन्नौर की जनता को दिया गया है, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जो अफेक्टेड एरिया के लोगों का पैसा है वो दिया जाना चाहिए कि नहीं था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए कहीं भी पैसों की कोई जरूरत नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। और उसका उदाहरण उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले मार्च से लेकर आज तक जिला किन्नौर के अंदर, विशेष रूप से जब कांग्रेस के हमारे मित्र घर से नहीं निकल रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किन्नौर में भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमकर 28 लाख रुपए हमने भी देने का काम किया है। और ना केवल 28 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा करके दिया है, इसके साथ साथ जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और समाज की चिंता करने वाले लोग मंदिर कमेटियों में थे, मंदिर कमेटियों के माध्यम से भी, चाहे वो देव सभाओं के माध्यम से हो, चाहे बुद्ध मंदिर कमेटियों के माध्यम से हो, 40 लाख रुपए जो है हम लोग अलग से देने में सफल हुए किन्नौर से। कुल मिला के 70 लाख के लगभग कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हमने सरकार को देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने किए, एक पैसे का इन्होंने सहयोग नहीं किया। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी जब दूसरा वेब आया तो मैंने कोठी के दयाल, इनके कार्यकर्ता है, उसको मैंने बधाई दिया फेसबुक में कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो ऐसी सोच के लोग हैं कि कोविड के समय में कोई भी सहयोग करेगा तो उसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस वाले करेंगे तो मैं कह रहा हूं मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन आप सिर्फ क्रिटिसिज्म करेंगे, बेतुकी बातें करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तथ्यों से परे की बातें करेंगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारों ने बहुत बढ़िया काम किया है, श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी ने बहुत बड़े काम किया है, हम भी किन्नौर के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहते हुए हमने भी अपनी भूमिका निभाई है, और किन्नौर में कोविड से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया है। और अभी इस कोविड के अंदर कुछ समय थोड़ा बहुत खाना खिलाने का काम कांग्रेस ने भी किया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, और समाज के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। कोविड से लड़ने में राजनीति करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो डे वन से आह्वान किया, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि कांग्रेस के लोग भी आगे आओ, हमको किन्नौर को बचाना है। ये कोई पार्टी देख के नहीं होगा, ये कोई क्षेत्र देख के नहीं होगा, जब होगा तो भयानक होगा। और मैं जो है 10 दिन आईजीएमसी में एडमिट हुआ हूं और 2 महीने तक मैं उठ नहीं पाया। मैं समझ सकता हूं कि कोरोना क्या बीमारी है, इसलिए इसमें राजनीति हम नहीं करना चाहते। ये ठीक है कि भाई लाड़ा से हुआ है तो ये तो जगत सिंह जी से पूछना चाहिए, सबसे पहले उन्होंने वहां बोला था कि भाई ये पैसा वहां भी दिया जाए, और बाहर आके कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रहे इसलिए हमने लाड़ा से किया। ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी, दोगली राजनीति नहीं चलेगी, और कोरोना महामारी में सबको सहयोग करना चाहिए। इस लड़ाई से लड़ना, इस महामारी से लड़ना जरूरी है, बजाय कि राजनीति कहां से पैसा आया, क्यों गया, मुझे लगता है कि इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए, और मैं इसका पक्ष। मोदी जी, अंतिम सवाल ये कि मान लेते हैं कि चुनाव में आप विधायक बनकर आते हैं, तो क्या आप लाड़ा का चेयरमैन जो है डीसी साहब को ही बनाएंगे, या फिर विधायक के तौर पर आप खुद जो है चेयरमैन बनेंगे? रामबक जी, बहुत टेक्निकल बात मैंने आपको पहले बताई, लेकिन फिर मैं बताता हूं, कोई भी एमएलए
लाडा का चेयरमैन, पीएससी का चेयरमैन तब बनेगा यदि उसकी सरकार है प्रदेश में। यदि प्रदेश में सरकार नहीं है ना तो सूरत नेगी को बनाएंगे कांग्रेस की, अगर सरकार प्रदेश में हो, यहां से मैं विधायक रहता हूं ना, हमारी सरकार बनाई। इसलिए इस बात को समझने का है कि कोई रूल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है कि विधायक को ही उसका पीएससी का चेयरमैन, लाडा का चेयरमैन होना चाहिए, ये कहीं भी नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। जगत सिंह जी बिना मतलब के जो है अपना सिंपति लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए और एक्सपोज करेंगे। और इसलिए आज जो है इस तरह की बातें करने का विषय नहीं है। आज जैसे आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की पार्टी है, यही कारण है कि पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में जहां लोकसभा में हमने 7,500 से जो लीड यहां पर लिया, उसके साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 75% प्रधान उपप्रधान, बीडीसी के तीनों चेयरमैन हमने बना दिए, वाइस चेयरमैन बना दिए, जिला परिषद में जो है हमारा चेयरमैन बन गया, तो पूरी तरह से जो जीत हुई है श्रद्धेय ठाकुर जयराम की जीत है, हमारे विकास के कार्यों की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको आपके माध्यम से जो है किन्नौर की जनता को बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक जो चौथी बार बने हैं उनसे पूछो तो सही आपकी उपलब्धियां क्या है। मेरे पास यहाँ 5 पेज है जहां उपलब्धियों का बखान है, ये तो बता ही नहीं पाए, जिसमें चर्चा आपने कर दिया उसमें 5% विषय आए हैं, लेकिन एक लंबी गाथा है जो हमारे प्रयासों से हुआ है। लेकिन जगत सिंह जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया है बोलने के लिए। और असल में जो विकास होता है वो आपके प्रयासों से क्या हुआ है वो विषय है। इसलिए किन्नौर में आने वाले समय के अंदर मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है और किन्नौर की जनता मुझे आशीर्वाद देती है। मैं कह रहा हूं सिर्फ मुझे 5 साल चाहिए, किन्नौर को मैं बदल के रख दूंगा, सिर्फ 5 साल। और 5 साल में अगर मैं नहीं कर पाया, मैं खुले आज आपके इसमें कह रहा हूं, मैं राजनीति में उनमें से नहीं हूं जो हार रहे हैं फिर भी जो है राजनीति में चुनाव लड़ने की सोचते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में नहीं आए, हमने अब कमिटमेंट किया है कि समाज के लिए अंतिम पड़ाव तक जीना है, लेकिन चुनावों के माध्यम से, विधायक बनने के माध्यम से जो एक परिवर्तन आप क्षेत्र का कर सकते हैं वैसे नहीं कर सकते, ये मैं महसूस कर रहा हूं। इसीलिए पूरे किन्नौर का, संपूर्ण किन्नौर का जो है, मैं 2022 में हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस में सिर फटने अभी लीडरशिप की, लेकिन किन्नौर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इसलिए जीतेगी क्योंकि 3.5 वर्षों का हमारा विकास का इतिहास है। ये लाडा के पैसों के सारे राजनीति करने वाले नहीं चलेंगे, हम दिल्ली से भी लाए हैं। अभी मैं बता रहा हूं, पिछले बार सड़कों के लिए टापरी वाया उर्नी चोलिंग के लिए हम जो है पिछले बार 9 करोड़ रुपए दिए है, निचार रोड के लिए हमने 9 करोड़ रुपए दिया है। ये ऐसे विधायक है, आपको थोड़ा सा राम भगत जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए विकास क्या होता है। शिल्ती रोड का उद्घाटन आदरणीय जगत सिंह जी ने किया, उसका उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन करने के बावजूद जो है हमारी सरकार को, हमको प्रयास करके 14 करोड़ रुपए अभी दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन करवा के, ये विकास का मॉडल इनका। भावानगर में जो है मिनी सेक्रेटरिएट का उद्घाटन किया इन्होंने और उसके बाद भी हमने जो है 60 लाख रुपए दिया है मिनी सेक्रेटरिएट को शिफ्ट होने से पहले। नाथपा का रोड इन्होंने किया बिना एफसीए का, 1.25 करोड़ रुपए हमने उसका पैसा दिया है। ये इस तरह का विकास चलेगा क्या? आप फट्टे लगाने की आपको जरूरत क्या है? क्या किन्नौर के लोग मूर्ख है क्या? इसलिए ये जो राजनीति चली है ये राजनीति नहीं चलेगी। आने वाले समय के अंदर हम विकास बेस्ड राजनीति करना चाहते हैं। ये गाली गलौज का कंपटीशन कांग्रेसियों से बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता, सूरत नेगी नहीं कर सकता। हम सेंटर में विकास को लाना चाहते हैं। अभी मैं बाबा वैली के अंदर गया, मुद के अंदर, मैं हैरान हूं आज तक उस वैली को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया गया, सड़क क्यों नहीं खोला गया। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं
कि आने वाले समय के अंदर उस क्षेत्रों को भी हम एक्सप्लोर करेंगे और किन्नौर के समस्त किन्नौर के जहां जहां जिस क्षेत्र की जो जरूरत है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और नया किन्नौर बनाएंगे जहां सुविधाओं से ओतप्रोत किन्नौर हो। लोग बाहर से आए तो बोले वाह क्या किन्नौर है। योजना बहुत नया किन्नौर पर ही मैं आ रहा हूँ। मैं आपको तभी रोक के रखा है, यहाँ पर एक सवाल आया है, ये जनता का सवाल मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि ये नया किन्नौर से उठा हुआ सवाल है। नया किन्नौर के मोदी जी, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सरफेसी एक्ट और पैसा एक्ट और शेड्यूल 5, इसके पैसा एक्ट और शेड्यूल 5 का जो एक्ट हमारे किन्नौर में है और हमारे को यहाँ सरफेसी एक्ट के द्वारा अब बाहरी जो है लोग जो है दो मिनट सर, तकनीकी प्रॉब्लम आई थी सर। सवाल ये है कि पहले सम्मान्य सूरत नेग जी को जय श्री राम। नेताजी आप डॉक्टर किशोरी जी के किन्नौर बचाओ अभियान जो कर रहे हैं, जरूरत पड़ा तो क्या आप योगदान दे रहे, क्योंकि किशोरी जी द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा वो पूरे चलाया जा रहा है, उससे आप सहमत हो? कारण क्या है ऐसे सरफेसी एक्ट जो है गैर किन्नौरा ने हमारे किन्नौर में तीन लोगों ने किन्नौर में भूमि ली है और अब जो है क्या ये नए किन्नौर जो बन रहा है उसके लिए क्या सही होगा सर? क्या सरफेसी एक्ट के द्वारा जो हमारा किन्नौर खतरे में, अगर खतरे में तो जो हमारे किशोरी जी ने इसका अभियान चलाया तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे, उनका साथ देंगे? क्योंकि पैसा एक्ट के द्वारा हमारा पंचायत के पास अधिकार है और शेड्यूल 5 के द्वारा जो है उसका अमल नहीं किया गया। सर थोड़ा सा प्रकाश दे, उसके बाद हम अन्य सवाल पर जाते हैं। सर जी, मैं बहुत छोटे शब्दों में इसका जवाब देना चाहता हूँ जी, कि स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी ने किन्नौर की जनता के लिए, शेड्यूल्ड एरिया के लिए, शेड्यूल्ड एरिया के जो अधिकार दिए गए हैं उनके साथ कोई भी छेड़खानी करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किन्नौर की जनता के साथ है और जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, किसी कोर्ट ने अगर कुछ कहा है किसी दूसरे क्षेत्र के संदर्भ में कहा है वो इस क्षेत्र में भी लगेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इस बात को हम बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि जो हमारे मूल हमारे जो अधिकार दिए गए शेड्यूल्ड एरिया के नाते उसके साथ किसी भी तरह का छेड़खानी बरत। जी महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी आ रही है, जी आ रही है। सवाल ये सर, हम विद्युत संबंधी परियोजनाओं से संबंधित कुछ सवाल रखेंगे जो जनता के हित के लिए, क्योंकि पक्ष राजनीतिक दल सभी ये कहते हैं कि अगर विद्युत परियोजनाएं रहेगी तो देश में हमारे किन्नौर में जो है रोजगार के सुदृढ़ रहेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर तो कुछ सवाल जो है जनता से हमने उठाए हैं। तो महोदय जी, विद्युत परियोजनाओं को किन्नौर में चलने या चलने से किन्नौर के सभी दल कहते कि रोजगार खुलता है, विकास होता है, इसी पर सवाल है सर। अक्सर हमने देखा कि विद्युत परियोजनाओं का विरोध करते हैं लेकिन रिटायर के बाद जो किन्नौर के अधिकारी अफसर जो वही नौकरी करते हैं, पहला ये सवाल है सर। दूसरा है, स्थानीय लोगों को बेरोजगार मिला नहीं, क्या कंपनी में 70% रोजगार हमारे लोग कर रहे हैं? ये दो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आगे और आपके पास रखता हूँ, इस पर आप प्रतिक्रिया करें महोदय। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का विषय है इसको जो आपने कहा है, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं कि सभी नेता कहते हैं कि भाई रोजगार मिलेगा। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने बहुत सारे विषय उसके अंदर रखे हैं। हमने कहा है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने के कारण जो है किन्नौर की सुंदरता को खराब होता है। उससे उदाहरण के तौर पर आपके करछम से लेके या जागड़ी से लेके आप करछम तक जाएंगे तो ध्यान में आएगा जो हमारी लाइफलाइन सतलुज को कहते हैं वो कहीं भी नहीं है, खंडर बन गया है, पूरा खंडर बन गया है। किन्नौर की जो असली सुंदरता वो खत्म हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ हमने तो यहां तक कहा है और मैं हमेशा कहता हूं, सरकारें कहती है कि नेशनल इंटरेस्ट में बनाना पड़ेगा, हम कहते हैं कि जो यहां बसे हुए हैं, मैं कहता हूं कि जो यहां बसे हुए हैं
उनके अधिकारों के साथ हनन करना भी, तो वो भी तो इसी देश के, उनके साथ भी तो हनन हो रहा है, उनके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि ये नेशनल इंटरेस्ट में बनना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों का जो है सहमति ली जानी चाहिए। और मैं हमेशा एक टेक्निकल बात बोलता हूं कि जिन क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां के क्षेत्र के लोगों के विल के अगेंस्ट प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। जैसे आपका कच्चे मांगतू बन गया, हम बरी वाले उसमें क्या करेंगे विरोध करके? बरी का नेता होने पर भी क्या होगा, पीओ का नेता होने पर भी क्या होगा, पू से नेता होने पर भी क्या होगा? उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब तो लोगों को वहां विरोध करना है तो हम नहीं जाएंगे तो लोग बोलेंगे वो नेता नहीं आया। मान लो सहमत हो गए कि प्रोजेक्ट बनाना है, फिर हम जाएंगे तो बोलेंगे अभी राजनीति करने आ गया, इसका क्या काम है? तो बहुत सारे कटु अनुभव है इसके अंदर। मैं 15 सालों से मैं भी इसमें हर जगह हमने प्रयास किया और अधिकारों के लिए लड़ने की बात किया। मेरा ये कहना है कि किन्नौर की जनता को जिस भी क्षेत्र के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां के लोगों को ठीक से इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। लेकिन जहां हमारी जरूरत है, मैंने सब जगह कहा है, जहां हमारी जरूरत है हम जनता के साथ है, जनता के अधिकारों के साथ हनन होने नहीं देंगे। लेकिन इस बात को हमको देखना है कि पूरे संदर्भ को देखना है। चार लोग राजनीति करने के लिए किसी चीज का विरोध करेंगे, यहाँ किन्नौर में तो विकास का भी विरोध हो रहा है, राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा, वो जो है नहीं चलेगा। इसको पूरा स्टडी करने की जरूरत है। और मैंने तो स्पष्ट कहा है कि जहां भी लोग हमारे पास आएंगे, जहां भी लोग हमारी सहायता मांगेंगे, हम बिल्कुल जनता के साथ। जी मोहम्मद जी, सवाल और है कि क्या किन्नौर के जो 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 लगे हैं कंपनियों में, क्या 70% रोजगार कंपनी दे रही है? क्योंकि वीआरएस इसके बारे में मेरा ये कहना है कि भाई थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन गलत है। उन्होंने कहा कि 70% हिमाचली लगेंगे, 70% हिमाचली लगेंगे, लोकल मतलब है कि हिमाचली लगेंगे। ये ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जिस लेवल पर हमारे लोगों को लगना चाहिए वो नहीं लग रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे लोकल लोगों को भी, नौकरी लगे तो पूरे समर्पण के साथ कार्य करें, पूरे समर्पण के साथ कार्य करें। इसलिए ये भी एक जरूरत है, दोनों पक्ष होगा। जब आपको नौकरी करनी है, मुझे राजनीति करनी है, तो ये नहीं हो सकता कि मैं जो है बहाने बनाऊ। मैंने अपनी इच्छा से राजनीति में आया हूं, मेरे को समय पर सोने का अधिकार नहीं है, मुझे समय पर खाने का अधिकार नहीं है, मुझे जनता की समस्याओं के लिए लड़ना है। यहाँ का जो भी जब समय होगा, जनता अगर कुछ समस्या बोलती है तो मुझे वो करना पहला है। इसलिए इस बात को हमको देखना पड़ेगा, जब हमको नौकरी करना है तो भाई उसके कंपनी। महोदय जी, जिस प्रकार से कोरोना काल में जो कंपनियों ने काफी जो है गांव वालों को या फिर हमारे जो कोरोना वालों को काफी मदद किया, तो ऐसे में क्या वो उन्होंने जो वो जो पैसा है, जो मदद का पैसा है, क्या सीएसआर से खर्च किया या फिर कंपनी ने अपने निजी पैसे से? सर थोड़ा सा आपको अनुमान है सर? किसी भी कंपनी का निजी पैसा क्या होता है? निजी तो कोई नहीं होता है। लेकिन जो इसमें विशेष रूप से जो एक मेरे को नॉलेज है, जनरल नॉलेज, वो ये है कि इस तरह के कार्यों के लिए सीएसआर का पैसा ही लोग यूज करते हैं। जैसे जीएसडब्ल्यू के कार्यक्रम में मैं गया था, मुझे बताया कि 100 करोड़ जो है जीएसडब्ल्यू ग्रुप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो कोविड से लड़ने के लिए उन्होंने दिया है। तो पूरे भारतवर्ष का जो सीएसआर का पैसा है उन्होंने दिया है, भारत के इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए किया है। और यहां भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक अनुरोध किया था इन लोगों से, मैंने अनुरोध किया था कि भाई आप जो है इतनी बड़ी कंपनी है तो किन्नौरों के लिए कोविड में आप क्या कर रहे हैं? ये तो यहाँ हॉस्पिटल खोलने के लिए राजनीति करते रहे, जब जरूरत है तो यहाँ जेएसडब्ल्यू का जो है हॉस्पिटल भी ले लेंगे, वो कोई इशू नहीं है।
जिस तरह से घटिया राजनीति कांग्रेसी कर रहे हैं, हम उस राजनीतिक घटिया राजनीति में नहीं जाना चाहते, ना शब्दों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी किन्नौर की जनता को, उसको जेएसडब्ल्यू का हॉस्पिटल भी हम लेंगे और भावानगर रेस्ट हाउस हॉस्पिटल को भी हमको लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने आह्वान किया था उनसे कि भाई आप जो आइसोलेशन में लोग हैं, नहीं तो जो ठीक हो गए उनको भी, जेएसडब्ल्यू को कहा था कि ऑक्सीमीटर की कमी है उनको आप देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ जेएसडब्ल्यू का, उन्होंने 10,000 किट जो है किन्नौर की जनता को दिया है और उसके साथ साथ ऑक्सीमीटर जहां जहां कमी थी उसको भी पूरा करने का काम किया है। और ऐसे समय में हमारे लिए विषय ये नहीं है कि वो सीएसआर से आ रहा है या अन्य बजट से आ रहा है, विषय यह है कि किन्नौर की जनता के लिए जो है पैसा आया है, सहयोग किया है, उसके लिए हम सभी को उसका धन्यवादी होना चाहिए। जो कोई भी करता है, चाहे कंपनी करे, और उनकी जिम्मेवारी है, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, किन्नौर से पैसा कमा रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एसजेवीएनएल हो, चाहे वो जेएसडब्ल्यू हो, चाहे अन्य कंपनियां हैं, उनका पूरा दायित्व है कि किन्नौर की जनता का जो है मुसीबत के समय में सहायता करें। महोदय जी, थोड़ा पिक्चर आपका हैंग हुआ है, अगर आप रीसेट मार के दोबारा ऑन होते, अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी को भी आपने सिर्फ क्रोम को टच करना है, आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि आवाज आ रही है, बाकी ठीक है। नहीं, मेरा तो ठीक है। अच्छा, मेरा ठीक है। तो महोदय जी, जिस प्रकार से सीएसआर से करोड़ों जी बहुत जनता के बहुत सारे सवाल है अतिथि महोदय, क्योंकि ऐसे टाइम में सिग्नल से जुड़े रहना है और सिग्नल बीच में कुछ भी कभी भी जो है कुछ किसी भी मोड में ले आ सकता है, लेकिन आप बने रहे और हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या हम जनता और मजदूर किसान सबका जो है हम बातों को मोदी जी, थोड़ा टेक्निकली इशू हो जाता है सिग्नल की। मोदी जी, जब हम जा रहे हैं तो स्टेप वाइज हम पकड़ेंगे मजदूरों से, फिर हम रोजगार शिक्षा ऐसे लेते हम लास्ट एपिसोड तक जाएंगे, आप क्योंकि आपको बार बार टाइम तो मिलेगा नहीं, बिजी शेड्यूल रहता है, आज आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। विषय है जिस प्रकार से कंपनी सीएसआर का पैसे करोड़ों में दे रही है, तो क्या एमओयू के तहत कंपनी जो है अपने जो मुलाजिम है अपने कर्मचारियों को भी अच्छा वेतन दे रही है नहीं दे रही है, कभी आपने संज्ञान में लिया सर? कंपनी के लोगों को मेरे पास एक डेपुटेशन आए थे कि जो हमारे मुद्दे हैं, लेकिन वहां क्योंकि सीटू यूनियन जो है बहुत हावी है और उसके वजह से जो है वो मुद्दे उठाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि दूसरी जो यूनियंस है उनको भी महत्व दिया जाए और जो इनका अधिकार है, कुल मिलाकर जो मजदूरों का अधिकार है वो मिलना चाहिए, और मेरे ध्यान में लाया, मैंने जो एचओपी है पुरी जी से भी बात किया है, और आने वाले समय के अंदर भी मैं इस बात का, मैं एसजेवीएनएल के लिए एसजेवीएनएल को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको बधाई भी देना चाहूंगा कि वो जो है बहुत बढ़िया सैलरी दे रहे हैं, सीएसआर जो आउटसोर्स में भी लगे हैं और बहुत अच्छा सैलरी दे रहे हैं, उन्हीं उसी लाइन पर जो है जेएसडब्ल्यू को भी देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको सही वेतन देना। अंतिम सवाल